कर रहे हैं यार ये। हाँ जी सी यू ब्रदर। ये इसको क्या ब्रिज है? हुसैनी ब्रिज यार, हम भूल जाता है ना। ये हम गिलगित से निकले हैं और फिर हम किधर गुंजा पहुंचे यार, जरा मैं भूल जाता हूँ। अभी नया नया ब्लॉगर हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको। चलो चलो Let's go. What a beautiful morning this is. Assalamu alaikum guys, कैसे हैं आप लोग? अपने घर में बैठे कमरे में व्लॉग देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग हैं पहाड़ों में, हाय हाय हाय, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। नाश्ता रेडी, आज नाश्ता करते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं कि आज का सीन क्या है। वेरी 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 प्लेजेंट मौसम आज, चस्सा हो रही कि नहीं। कल हमने बॉयज पहन के कितना मज़े का लगा कि हमने आज भी पैनकेक मंगवा दिए, फ्रेश है कि नहीं। हम काफ़ी लेट हैं, चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई हैं लेकिन अभी भी फ्रेश हैं, कल तो बहुत लेट हो गए थे। नाश्ता करते हैं विदाउट एनी डिले, मिलते हैं आपसे आफ्टर नाश्ता। ओ यार व्यू चेक करो गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। कल लेक जो है वो डिफरेंट शेड मार रही थी, आज एक ही ब्लू शेड मार रही है, क्योंकि मौसम जो है ना वो बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ। What a beautiful view! What a beautiful view! Boys, update कुछ यूँ है कि हम लोग हो गए हैं तैयार, सेटमेंट भी हो गए हैं, तस्वीरें तस्वीरें सारा कुछ ओके हो गया है। अब क्या सीन है, आ जाओ भाई नीचे चलते हैं। कल हम गए नहीं थे लेक पे और हमने लेक को सही तरह से इंजॉय नहीं किया। आज नीचे चलते हैं, कुछ शुगल मस्ती ढूंढते हैं, इंजॉय करते हैं। मौसम बहुत गुड हुआ हुआ है, बादल हैं, धूप हल्की हल्की है, तो ज़रा प्लेजेंट सा मौसम हुआ होगा। आ जाओ भाई नीचे चलते हैं, इंजॉय करते हैं। लेट्स मूव, लेट्स चेक आउट फ्रॉम दिस होटल। भाई लोग, हम लोग आ गए हैं बोटिंग एरिया पे हम करेंगे बोटिंग। और उसके अलावा बॉयज़ का मूड बन रहा है जेट स्की करने का, देखते हैं जेट स्की ये करते हैं या नहीं करते। आपके भाई का मूड नहीं, आपके भाई का एक और एडवेंचर करने का मूड है आगे। मेरा ख्याल है उसका इंतजार कर ले, वो ज़्यादा मज़े की है। वो देख वो स्लो है, वो ठीक है, वो गाइस ये तो 2J ही है, ये हमारी गाड़ी में है, ये तो क्राउन का इंजन है। ऑयल तो नहीं काम करती अभी? करती, पहले नहीं करती, वीक हो गया ना इंजन, सही चल रहा था। अच्छा, तो अभी वो हुआ ये कि इंग्लैंड में स्क्रू चला गया था। अच्छा, वो सीधा चला गया पिस्टन के ऊपर। ओए होए 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 होए, सही है। यहां मैंने इसको टर्बो पाइप लगाया है सांस ताजा देने के लिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि इसका जो सिलेंसर है ना, हां हां, वो बहुत गर्म होने की वजह से क्रैक हो जाता है। तो ये आपने खुद इसकी ऑल्टरेशन की है या इसके अंदर ही आता है इंजन? कराची में हमने कराया, इसका अपने सामान मिलते रहते ना। गुड यार, इंजन होता है बहुत आला, उसके पिस्टन खराब हो गए थे, पिस्टन बहुत आला, वो मिलते नहीं, तो हमने ये ऑल्टरेशन करके ये लगाई है। सही चलता है अब ये? आज तक जबरदस्त चलता है, 5 साल से चल रहा था, किसी ने इसमें डाली यहाँ से स्क्रू, ओए होए होए होए, चला गया पिस्टन के ऊपर, वाल टेढ़ा हो गया। बड़ा रिस्की काम है, बोलना पड़ा। इसके आगे कोई जाली लगा लेना ताकि कोई चीज ना अंदर जाए। बस लगाना था लेकिन टाइम चलो यार मैं चलाता हूँ, तुम बैठो आगे। गियर है तो बॉयज, वो है गियर, ये स्टीयरिंग बस और ये है झूले। बस मैं गिरू ना, बाकी गियर है। करो ना।
कुछ नहीं हो रहा यार, इजी सीन है। रुक तेरे को बताते पत्थर है भाई, लैंड कराओ भाई। चास आ गई कि नहीं? तो बॉयज, अताबाद झील में हमें मिल गए हमारे सब्सक्राइबर, हमारे बड़े प्यारे भाई अरसलान भाई। इनका एक नया स्टार्टअप है यहाँ पे, किस नाम से है बॉयज? लेक व्यू हट्स के नाम से। लेक व्यू हट्स के नाम से इन्होंने ये चार हट्स बनाए हुए हैं और बड़ी प्यारी जगह है बैठने के लिए और लेक का यहाँ से व्यू है। तो बॉयज, हम लोग केकेआर से जा रहे थे हुसैनी ब्रिज और हमें रास्ते में एक ऐसी खूबसूरत सड़क नजर आई है कि हम उसकी जानिब जा रहे हैं। उधर जाके आपको दिखाता हूँ क्या स्कोप है। आधी सड़क पानी में है और आधी सड़क पानी से बाहर है। जाके दिखाते हैं आपको, रास्ता बहुत कठिन है। मैं तो इसको 4x4 ही समझ बैठा हूँ यार। क्या हो गया, कभी कभी कर लिया करो, ट्रिप पे आए हुए हो, खैर होती है। हाँ तो क्या हुआ, यही क्या? मैंने कब कहा कि हम वापस जा रहे हैं? मैंने कहा यार कि हम एहतियात से जाएंगे, क्यों नहीं वापस जा सकते, जाएंगे हम। ये भाई से पूछेंगे हम, लोकल से, क्या हो गया, व्हाट इज रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम बॉस, इधर एक सड़क नीचे जा रही है पानी की तरफ, ये रास्ता उधर ही जाएगा। शुक्रिया बॉस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे कि जिस सड़क पे इस वक्त क्राउन चलती जा रही है, ये तो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, लेकिन एक ज़माना था जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थीं और वो अताबाद गांव से होकर गुजरती थीं, लेकिन इस वक्त वो गांव पानी की गहराइयों में डूब चुका है। यार कैन यू गाइज बिलीव इट कि ये रोड जो है एक गांव को जाती थी जो कि इस वक्त इस अताबाद लेक के अंदर है, इस पानी के बीच में है। सुनने में ये आया है जो बासिम बता रहा है कि ये ओल्ड सिल्क रूट होता था, तो यहाँ से पहले मतलब केकेआर से पहले ये सिल्क रूट यहाँ से गाड़ियाँ ट्रेवल करती थी। माय गॉडनेस, सन 2010 में एक खौफनाक जलजला आया था जिसने इस जगह की ज्योग्राफी पूरी तरह से बदल के रख दी थी। मैं पहली दफा यहाँ पे आया था 2015 में, तो किस्से और कहानियां बहुत सुने थे कि इस झील की गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया, लेकिन फैक्ट की बात ये है, ये लेक है ना 350 feet गहरी है, डीप है, एंड इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स ऑफ पाकिस्तान। जब आप यहाँ पे आते हो ना, जब मैं गाड़ी यहाँ पे उतार रहा था, लिटरली एक खौफनाक वाइब आ रही थी यार। गांव है इस पानी के नीचे, और आप चल के भी जा सकते हैं गांव तक नीचे अगर आपका दिल करे तो, चल के जा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट तक, फिर आपको तैरना पड़ेगा। नहीं, फिर आप रह नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आइस कोल्ड वाटर, वेरी कोल्ड, वेरी कोल्ड। क्या कुदरत है अल्लाह ताला की, और क्या अजाब है अल्लाह ताला की, एक अजाब ही कह सकते हैं इसको कि ये जलजिला आया था और एक पूरा गाँव पानी रोड उतार के बैठ गया। वो कह रहा है वैसे कुछ नहीं रह गया इसके पल्ले,
पूरे पूरे पत्थर फेंक रहे हैं ये बॉयज। तीन ठप्पे ये लो यार, ये कम से कम 6 ठप्पे खाएगी जो ना खाई आज का खाना तू खिलाएगा। अच्छा चलो देखते हैं, सोचते हैं, ठीक है पीछे ट्रायल तो मारने। अच्छा 6 ठप्पे ठीक है, स्लोमो करके देख लेते हैं। स्लो एग्जैक्टली आप देखें वीडियो में गाइस, हुआ है ना थोड़ी देर भाई ठप्पे इस तरह हो रहे थे कि टप 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 हो जा रहा। हाँ जी हो गए छह बार बार झूठ बोलो। एक सेकेंड कितना 6 ठप्पे भी तकरीबन 10 फेंके थे, मैंने भी 10 फेंके थे। अभी ये उसके कोई 10 नहीं फेंके थे आपने, ढप करके बस अंदर के आधा चलता ही 10। एक सेकेंड गाइस, अब गौर से आपने देखना हमें जो अरसलान भाई मिले थे, अरसलान भाई ने मशवरा ये दिया था कि ट्रैकिंग करते हुए आपने ये खानी है, या ट्रैकिंग करते हुए या ट्रैकिंग करने से पहले जो भी है उसको कहते हैं ड्राई खुमानी, आपका सांस इंप्रूव होता है इससे। ऐसे ही है बस, मजे की है, मजे की खट्टी मीठी सी है, मंचिंग हो रही है हमारी रस्ते में। हुसैनी ब्रिज जा रहे हैं बाय द वे, हाँ नेचुरल जेली कह सकते हैं आप इसको। वेरी गुड वेरी गुड, बिस्मिल्लाह। तो बॉयज अपडेट कुछ यूँ है कि मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये हुसैनी ब्रिज है, थोड़ा सा स्केरी है, ये लाइफ जैकेट्स पहनना ज़रूरी है, इट इज़ अ लिटिल बिट रिस्की, लाइफ जैकेट पहनते हैं, आ जाओ चलते हैं पल्ली साइड पे। यार बस ये ना जाता हो कहीं मेरा फ़ोन ही, बाकी खैर है। अब मैं आपको कैसे लाइफ जैकेट पहनाऊँ, कहीं टुक शुक तो नहीं लगा हुआ भाई। लोग देखो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, किसने कहा था यहाँ पे आने को भाई। लोग सेंटर में आ गए, ठीक है अब चाल जरा बन गई है, इजी सीन हो गया है, बिल्कुल इजी सीन हो गया है। नीचे नहीं देखना अबे नीचे नहीं देख रहा, ब्रिज एक तरफ जा रहा है। ना ब्रो अभी वापस भी आना है ना यार। भैया बारिश हो रही है, चलते जाओ। अजीब यार किसने कहा था इधर आओ, जालिम मेरे साथ रह। अच्छा देख मेरी बात सुन, मुझे पता तू तेज है, बस जालिम प्लीज मेरी बात सुन। अच्छा मेरे साथ रह ठीक है भाई। नहीं यकीन मानो अभी सेंटर में पहुंचा हूं मैं। वो देखो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन भाई, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, क्या कह रहे हैं 10 रुपए उसके गए। बात ये है कि मजा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी की जस आ रही है। यहाँ तक तो आ गए हैं, अब वापस जा रहे हैं। फ़ोन वाला रिस्क मैं नहीं ले रहा, जेब में डालने का वो बहुत गंदा रिस्क है ये फ़ोन वाला, वरना इजी है मुश्किल नहीं है। अभी तक दरमियान में पहुँचे हैं यार ये GoPro से स्क्रीनशॉट। यहाँ से पकड़ना है, एंड में जाके लीन बैक करना है, वायर और पुली को टच। यार मुंह मेरा उस साइड को होता है, नहीं करना है उस साइड पे होता है, लीन बैक कैसे करना है जिसे
एंगल से जाए आपने लीन ब्रेक करना। अच्छा ठीक है, जो मर्जी एंगल होते हैं। हाँ जी ओके जी, बाय बाय। ये जो ठाक करके बैठे ना।